वेलकम टू द प्रिंट। आई एम सुशील मानव। आज हम हैं हरियाणा के भिवानी कस्बा में, यहाँ के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने। और ये मेरे पीछे जो धरना चल रहा है, ये ग्रामीण हैं रोनहात के। रोनहात एक गांव है भिवानी जिले का, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर। इसको एक निक नेम दिया गया है, विलेज ऑफ रेबल्स, विद्रोहियों का गांव। अब इसको विद्रोहियों का गांव क्यों कहा गया? 1857 में जो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ क्रांति हुई, उसमें रोनहात गांव के ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बताया जाता है कि उन्होंने हिसार के अंदर जेल तोड़कर कुछ क्रांतिकारियों को रिहा करवाया। उससे गुस्साए अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनके गांव पर हमला बोला। गांव के लोगों के साथ जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो जुल्म ढाए, उसके लगभग एक साल बाद इस गांव की पूरी ज़मीन को गवर्नमेंट ने, इस गांव को बागियों का गांव कहते हुए, वो ज़मीन उनसे ले ली गई और उसको ऑक्शन में बेच दिया गया। ये गांव वाले तब से, जब से देश आज़ाद हुआ है, इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आज भी वही गुलाम देश वाले कानून लागू हैं। हमारी ज़मीन जो अंग्रेज़ों ने ली थी, वो आज तक हमें वापस नहीं की गई है। उसको लेकर ये धरना चल रहा है। और अभी 3 दिन पहले यहाँ वेद प्रकाश, जो कि B.R. अम्बेडकर सभा के अध्यक्ष भी हैं, वो धरने को लीड कर रहे थे। अब वो इस दौरान में अधिकारियों से मिल रहे थे, वो रिवेन्यू रिकॉर्ड मांग रहे थे। अब इस दौरान क्या हुआ, वो हम गांव वालों से बात करेंगे, वही बताएंगे। उन्होंने 3 दिन पहले आत्महत्या कर ली। ये जो घटनाक्रम आज आप देख रहे हैं, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। 1857 में जब एक गदर था ब्रिटिश सरकार के साथ हिंदुस्तान का, उस गदर में शहीद गांव रोनहात जो है, क्रांतिकारी गांव रोनहात, जो भिवानी जिले का भवानी खेड़ा तहसील का गांव है, इस गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उस क्रांति का नेतृत्व किया था। और उस नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। हमारे पास लगते हांसी शहर में 12 अंग्रेज अधिकारियों को और हिसार में 14 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो शाम में जेलें तोड़ी थी, क्रांतिकारियों को उनसे मुक्त करवाया था, अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटा था। देश की इस लड़ाई में अहम योगदान को देखते हुए, और टक्कर जब अंग्रेजों से ले रहे थे तो टारगेट कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा रोनहात के लोगों को। और उसमें हुआ ये, उस समय ब्रिटिश सरकार के हिसार में डिप्टी कमिश्नर विलियम खवाजा थे, उनको ये कमान दी गई इस रोनहात गाँव को टारगेट करके इसको तहस नहस किया जाए। और उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर के तहत रोनहात गांव की सारी ज़मीन जो है, जितनी भी उपजाऊ ज़मीन थी, उसको नीलाम कर दिया गया। मात्र एक कुआ और तालाब की ज़मीन छोड़ करके 20,656 बीघे ज़मीन को नीलाम कर दिया। और वो नीलाम हुई ज़मीन जो है, कुछ लोगों ने बोली पे मात्र 8100 रुपये में छुड़वा ली और रोनहात के पास कुछ नहीं बचा। इस गाँव की आबादी 4000 के करीब है। यहाँ के लोगों को 1857 की क्रांति में भाग लेने की एक खौफनाक सज़ा दी गई थी। यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार हांसी में उस समय अंग्रेज़ों की एक छावनी हुआ करती थी। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जब हिसार हांसी तक पहुँची, तो रोनहात गांव के निवासी भी इस आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर आगे आए। गाँव के निवासी बरनदास बैरागी, रूपा खाती और नोंदा जाट समेत कई हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होकर हांसी पहुंचे। गांव रोनहात के अलावा आसपास के कुछ गांवों ने भी अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। इस हमले में हिसार और हांसी में करीब 2 दर्जन अंग्रेज अफसर मारे गए। यहां के क्रांतिकारियों ने हिसार में जाकर गुजरी महल में बनाई गई एक जेल में से क्रांतिकारियों को रिहा करवा दिया और तुशाम में अंग्रेजी सल्तनत के खजाने को भी लूट लिया। जब अंग्रेज अधिकारियों तक इस बात की सूचना मिली, तो उन्होंने इस विरोध को दबाने के लिए एक प्लाटून जनरल कोटलैंड की अगुवाई में हांसी भेजी।
बाद में यह प्लाटून रोनात गांव भी पहुंची और यहां पर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के बिरड़दास बैरागी को सबसे पहले तोप पर बांधकर उड़ा दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े चिथड़े वहीं जमीन पर बिखर गए। इसके पश्चात आंदोलन के दो अन्य नेता रूपा खाती व नोंदा जाट को भी इसी तरह से तोप से उड़ाया गया। बाद में कई ग्रामीणों को गांव के एक वट वृक्ष से जिंदा लटका दिया गया। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कई महिलाएं गांव के कुएं में कूद गई। जिस वट वृक्ष पर ग्रामीणों को फांसी पर लटकाया गया वो आज भी गांव में मौजूद है और वो अंग्रेजों के जुल्म सितम की गवाही देता है। गांव का पुराना कुआं भी वहीं मौजूद है। अब हम रोनात गांव के उस प्राचीन कुएं के पास खड़े हैं। ये मेरे पीछे जो कुआं है ये बताया गया है कि जब 1857 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इस गांव पे हमला किया क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए, तो जब गांव के लोगों को उन्होंने तोपों पर बांध कर मारा, उनको फांसी लटका के मारा पेड़ों पे, तो महिलाएं अपने बच्चों के साथ इस कुएं में कूद गई थी। कितनी महिलाएं इसमें कूदी इस बारे में तो ग्राम में किसी को पता नहीं है, बट उनका ये कहना था कि ये हम उन्होंने ये सुना है कि ये कुआं पूरी तरह से भर गया था। तो ये कुआं है, अभी तो बताते हैं कि उस वक्त ये 150 फीट गहरा उसमें गहराई पे पानी आता था, अब पानी थोड़ा ऊपर आ चुका है। इस सब के पश्चात कुछ ग्रामीणों को अंग्रेज अपने साथ हांसी ले गए और उन्हें सड़क पर लिटाकर उनके ऊपर से रोड रेलर चला दिया गया। इन क्रांतिकारियों के खून से सड़क पूरी तरह से लाल हो गई। आज भी हांसी की यह सड़क लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों सितम यहीं पर नहीं रुके। करीब एक वर्ष बाद गांव को बागियों का गांव घोषित करके उसकी पूरी ज़मीन जो कि 20,656 बीघे और 19 बिस्वा थी उसे लीलाम कर दिया गया। इसको 61 खरीदारों ने 8100 रुपये में खरीदा। तो हमारे गांव पे उन्होंने एक बागी का कलंक लगाया था, बागी गांव घोषित करके नीलाम किया था। तो बागी गांव का कलंक हटाया जाए ताकि हम इस आजाद देश में गुलाम या बागी गांव अपने आप को ना माने। हम तिरंगा नहीं फहराते थे, लेकिन 2022 में 15 अगस्त जब पूरे भारत में अमृत महोत्सव ये बीजेपी सरकार मना रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। और इससे पहले 23 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव आए थे, वो तिरंगा फहरा के गए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि वो जमीन भी हमारी नहीं थी। तो हमने समस्त ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया कि ये सरकार जो है 15 अगस्त अमृत महोत्सव मना रही है, हमें भी न्याय देगी, हम भी तिरंगा फहराएंगे। हमने अपनी मांग मनवाने के लिए गाँव के उस क्रांतिकारी कुएं पर एक धरना दिया और उस धरने को जब 15 अगस्त भी गुजर गई किसी ने सूद नहीं ली, तो आकस्मिक 17 अगस्त को वहां पर एक संतलाल नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का निधन हो गया, शहादत हो गई और धरना बड़ा रूप ले गया। सरकार के साथ वार्तालाप चलती रही। 26 अगस्त 2022 को संतलाल के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब की सरकार ने 57 प्लाट इनको 1964 में दिए थे, वो भी उन पर पोजेशन नहीं दिया। हरियाणा की सरकार ने भी इनको 64 लाख रुपए मुआवजा मंजूर किया था, वो भी नहीं दिया, 25 लाख रुपए ही मिला। और गांव में वो ज़मीन किसकी थी, किन लोगों की थी, इसका रिकॉर्ड मांगने के लिए, कृषि उसको बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड मांगने के लिए 22 में एक साथी संतलाल धरने में शहीद हो गए थे रोनात गांव में ही, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और भूमि का रिकॉर्ड मांगने के लिए उन्होंने यहाँ 10 मई 2023 से वेद प्रकाश उर्फ वेद सिंह और भूप सिंह ने यहाँ धरना दे रखा था 10 मई 2023 से। प्रशासन वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहा था कुर्सी का,
और उनकी बात को मान नहीं रहा था, तो उन्होंने मजबूर होकर के 156 दिन धरना चलाया। फिर मजबूर होकर के वेद प्रकाश जी जो है यहाँ 11 सितंबर की रात को जो है फांसी पर लटक गए, और जो है प्रशासन के 3 व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने ये सुसाइड नोट दिया है जिलाधीश के विरुद्ध और DRO और एक कानून को सदर के विरुद्ध कि ये मेरी मौत के जुम्मेवार हैं, हमारे को रिकॉर्ड नहीं दिया इन्होंने, इसलिए हम इस निराश होकर के मैं ये कदम उठा रहा हूँ, ये लिख करके ये किया है। सर ये जो बाहर धरने पे बैठे हैं वेद प्रकाश ने सुसाइड किया, उनके लिए ये जानना चाह रहे थे कि अभी तक पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की। देखिए ये जो दुखद घटना हुई इसमें जो वेद प्रकाश जी हैं उन्होंने सुसाइड किया, जैसे हमारे को सूचना मिली पुलिस द्वारा तुरंत अपनी कार्रवाई की गई और इसके अंदर हमने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स शुरू की हुई हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और जितने भी रेलिवेंट उसमें से एविडेंसेस उसको कलेक्ट कर लिए गए हैं। इट्स ए केस ऑफ सुसाइड बाय हैंगिंग और इसके अंदर जो उनके द्वारा जो इस संबंध में जो कंप्लेंट दी गई है उसका भी हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट साथ में सुसाइड नोट के रूप में दिए गए हैं उसकी एक हैंड राइटिंग मिलान के लिए हमने FSL को भेज दिया है। अब ग्रामीण लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि उन्हें उनकी ज़मीन या उसके बदले में ज़मीन वापस दिलवाई जाए, परंतु आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु रोनात में आज भी तिरंगा नहीं फहराया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि जब आज भी उन पर अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया कानून लागू है तो वो अपने आप को आज़ाद कैसे माने। यहाँ पर हमारे देश में हमारा गांव बिल्कुल गुलाम है, इसलिए हमने कभी झंडा नहीं फहराया गया था, लेकिन 2018 में जब खट्टर साहब आए थे तो उन्होंने झंडा फहरा दिया था कि ये सोच के कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं, सिर्फ अफवाहें अफवाहें चली हैं। इसके यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके सौंदर्यीकरण के लिए कह के गए थे कि जोड़ का कुएं का स्किन रखेंगे, हमारे बड़ के जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे वो सारे गिर गए हैं, लेकिन इनके सौंदर्यीकरण पर एक पैसा भी नहीं लगाया गया है। व्याम नौ कहते हैं स्टेडियम की, कह के गई उसकी खाली चार दीवारी हुई है और कुछ नहीं है। सबसे पहले रामविलास शर्मा जी ने और खट्टर साहब ने ये कहा था कि हम जो ठोड़ा पट्टी है, उमरा ठोड़ा, सुल्तानपुर पट्टी, ढड़ेरी पट्टी, इनको सबसे पहले पहली कलम से तोड़ेंगे, कम से कम हमारी ज़मीन हमारे नाम तो जाए। आज तक वही नहीं टूटी है तो आगे क्या मिलेगा। प्लाट तो बहुत दूर की बात होगी सर, जो प्रताप सिंह कैरो ने 1964 के अंदर ना खड़कपुनी आए थे वहाँ पे उन्होंने वर्बली बोला था कि आपको 57 प्लाट जो बीड़ फार्म में अलॉट किए हैं वो दिए गए, लेकिन कोई कुछ सुनाई कहीं नहीं भी नहीं है सर। तो ये जो 1857 के जो शहीद थे उनकी याद में कोई जगह बनाई गई है यहाँ पे गांव में, कोई स्मारक कुछ बनाया गया हो? अब तक कुछ नहीं बनाया है, उनके नाम से एक शहीद स्मारक बोल रहे हैं लेकिन बनाया क्या, उसकी चार दीवारी खाली बनाई गई है। CM आते रहते हैं, डिप्टी CM भी आए थे अभी, कुछ करके तो नहीं गए थे, आते हैं आगे ये कहते हैं बोले हम देने नहीं कुछ लेने आए हैं, हमारे पास क्या है देने को बताओ। रोनात गांव में यहां पे एक शहीद स्मारक बन रहा है, इसकी घोषणा 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब यहाँ वो आए थे, जब उन्होंने झंडा भी फहराया उस समय उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो अभी इसकी चार दीवारी, ये 4 एकड़ में बन रहा है, इसकी चार दीवारी बन चुकी है, इसमें अभी गेट का काम चल रहा है। मेरे साथ हैं सुरेश कुमार जी, इसी गांव के निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। ये कब से काम शुरू हुआ है? ये काम लगभग 4.5 साल से काम शुरू हो रहा है, और इसकी चार दुवारी लकड़ी ही मिल, कदे काम बंद हो जाता है, कदे चला देते हैं, कदे काम बंद हो जाता है, कदे चला देते हैं, बस सिर्फ चार दुवारी ही लकड़ी है और एक दो पगडंडी बनाई हुई है इसमें, और कुछ नहीं बनाया इसमें। तो ये काम करने वाले लगे हुए हैं, तो ये पहले लगे हुए तो हैं, कदे आ जाते हैं, कदे पुनः जाते हैं, थोड़ा काम ठेका भी ले रहे हैं, क्या दिहाड़ी भी ले रहे हैं, कई बना हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि काम थोड़ा गति पर पकड़े और जल्दी से पूरा जल्दी से जो जल्दी हो जाए, इतनी बड़ी आ गई सर, दोपहरक समारक पूरा हो सके और काम के देखने भी हो जाए, और इसमें लाइब्रेरी की विवाह घोषणा, और लाइब्रेरी भी नहीं बनी है, बोला कुछ भी नहीं बनिया, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही इस तरफ, तो शहीद पार्कों की तरफ।
भिवानी से सूरज बिष्ट के साथ सुशील मानव की रिपोर्ट।